बोतल रखो सही से। इनसे बाय कौन करता है? चलो क्या हुआ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी अपनी को छोड़ के आ गए हैं, आज मैं भी तैयार हो गया, बस कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि अपनी के स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है ना, तो उस चक्कर में मुझे भी तैयार नहा के धो के तैयार होकर जाना होता है क्योंकि लौट के आएंगे, अभी बज गए 8-10, तो अगर अभी आके लौट के ना आएंगे तो लेट हो जाते हैं। तो अभी नहा धो के गए, बस कपड़े चेंज करने, ब्रेकफास्ट करना और निकल जाएंगे क्योंकि अपनी का टाइम सब 8 हो गया, तो 8:05 तक अपनी के स्कूल में उसको छोड़ाते हैं। तो इसी वजह से मैं भी तैयार हो के गया था, बस अब जाके यूनिफॉर्म अपनी जो भी है हम अपनी चेंज कर लेंगे और फिर ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। तो अभी मेरे पास टाइम है, 8:10 हुए हैं, तो अभी 20 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। और अगर मतलब अब नहाना स्टार्ट करते, अब जाते नहा के नहाना का प्रोसेस स्टार्ट करते तो बहुत लेट हो जाते, इसलिए पहले से नहा धो के चल दिए थे जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के जाके चेंज कपड़े चेंज करते हैं और देन ब्रेकफास्ट करके निकल लेते हैं। बेदिन टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, बस इतना थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि अपनी का स्कूल का टाइमिंग चेंज होने से ना अब मुझे भी पहले से तैयार होना पड़ेगा, तो पहले से ना आना पड़ेगा। अदरवाइज क्या था कि पहले मैं अपनी को छोड़ा था तो फिर जाके नहाता धोता था, सब कुछ करता था, प्रोसेस करता था, लेकिन जब से अब अपनी का हुआ है तो मुझे अब टाइम से मुझे भी जल्दी नहाना पड़ेगा और नहा के फिर मुझे भी साथ में जल्दी के तैयार हो, बस कपड़े चेंज नहीं करता क्योंकि बाइक पे जाता हूँ, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो कपड़े सब गंदे हो जाते हैं, तो कपड़े बाद में चेंज कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जाके अब जाऊँगा कपड़े चेंज करूँगा और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँगा, चाय पी लूँगा, जो भी होगा, तो बाइक निकल लें। तैयार होकर निकल लिए हैं और अपनी को जल्दी स्कूल हो गया, मुझे फ़ायदा हो गया क्योंकि अपनी को जल्दी छोड़ने के चक्कर में मैं बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाता हूँ। और अब तो विद इन बिफोर टाइम है, गाड़ी कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, पता नहीं गाड़ी इतनी गंदी कैसे हो जाती है, जो साफ़ करते हैं आप कल से गाड़ी साफ़ कर दिया करेंगे, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। लेकिन अब भी हो जाएंगे लेट, अगर गाड़ी अभी लेट हो जाएंगे गाड़ी अगर साफ़ की तो चलो अभी चलते हैं और पहुँचते हैं ना। ठीक है, गाड़ी जैसी भी आप इसे साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि साफ़ करेंगे तो सच में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, और टाइम से पहुँचना है गाड़ी, कल शाम को देखते हैं, आज शाम को आके साफ़ कर देंगे क्योंकि अभी तो उस भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो रही है तो वो साफ़ नहीं होगी, ऊपर मिट्टी चिपक हो जाती है। तो चलते हैं बैंक, फिर देखते हैं जो भी होता है। तो बस अभी निकलने हैं और जल्दी से अभी पहुंच जाते हैं रास्ते में, विद इन टाइम है, अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:28 हुए हैं, तो टाइम से पहले ही हैं, तो लगभग लगभग 12-13 मिनट लगते हैं पहुंचने में टोटल, तो 45 तक पहुंच जाना चाहिए मुझे, 8:45-8:50 तक, तो ठीक है 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहता है, थोड़ा टाइम से पहुँच जाओ, जब मैं ही लेट हो जाता हूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, तो दूसरों से आप कैसे बोल सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जल्दी आ जाओ कुछ आ जाओ, क्योंकि टाइम से ही पहुँचना सही रहता है। तो अभी मैं पहुँच जाता हूँ और बस चलो अभी चलते हैं रास्ते में, मैं जो भी होगा देख लेते हैं, बाकी ऑफिस पहुँच कर आपसे बात करते हैं, ऑफिस में कुछ भी होगा जल्दी से पहुँचते हैं क्योंकि अगर बात करने में बिजी होगा तो फिर लेट हो जाएगी, फिर जल्दी निकलने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो अभी पहुँच लेते हैं। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. तो अभी पहुंच गए हैं, अभी 8:43 हुए हैं, तो बहुत जल्दी पहुंच गए, अभी कोई भी नहीं आया हुआ है, पर कोई नहीं मैं पहुंच जाता हूं, अभी कोई भी आएगा तो ब्रांच चांस खुलवा देंगे, तो बस यही था। तो अभी बाहर का कुछ भी होगा तो देख लेते हैं, कुछ और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी टाइम इतना नहीं हो पाता कि शाम को जाके कुछ भी रिकॉर्ड करूँ, शूट करूँ,
तो अभी प्लान ये किया है कि थोड़ा सा जो भी कंटेंट है वगैरह, जो भी स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह वो कर लेते हैं अभी पूरे वीक में। फिर छुट्टी होगी उसमें 3 या 4 वीडियो शूट करेंगे, तब शूट करके डालेंगे, क्योंकि अदरवाइज शाम को जाना, थोड़ा सा काम करना ऑफिस का, ऑफिस के बाद फिर ये वाली जो डेली ब्लॉग वीडियो उसको एडिट करना, एडिट करने का उसको अपलोड पर लगाना और करना, तो ये बहुत करते करते 11:30-12 बज जाते हैं, फिर शूट करने का टाइम नहीं होता, तो ये थोड़ा सा दिक्कत। तो शूट करके रख लो, एडिट करने का टाइम मिल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं, एडिट तो कर सकता हूँ। आज सुबह से चूने पे चूना लग रहा है। हुआ क्या कि सुबह गाड़ी लेके आया, अच्छी खासी गाड़ी की थी, पंचर हो गई। तो अब वहाँ कोई पंचर सही करने वाला नहीं, तो पंचर मेरे पास स्टेपनी सही रखी थी, अब मैं ऑफिस में था, मैंने क्या, अगर मैं खोलूँगा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो मैंने एक स्टेपनी खोलने वाले को बुला लिया, भाई मेरा टायर खोल के स्टेपनी लगा दे। तो उसने कहा उसको मैं 100 रुपये लूँगा, मैंने कहा कोई बात नहीं ले लेना। अब उसने बोल्ट तोड़ दिया आगे का, तो बोल्ट डलवाया, उसके 1500 रुपये अलग से लग गए वो चूना, और 3-4 या 5 दिन गाड़ी तीनों टायर पंचर हो चुके, मतलब एक आगे का हुआ, एक पीछे का हुआ, एक फिर ये आगे का हो गया, तीनों अलग अलग टायर पंचर हो चुके, मतलब समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा गाड़ी के साथ, तीन मतलब पंचर हो चुके पिछले 1 हफ्ते के अंदर, और अभी तो कितनी बड़ी कील लगी दिख रही है साफ, और पंचर हो गई अचानक, गाड़ी खड़ी की थी, सब कुछ खड़ी की थी, इससे अच्छा कभी फिर होता खुद ही खोल लेता, तो सब कुछ दिक्कत हो रही है कि गाड़ी पंचर हो गई, और पंचर खोलने के लिए लाए तो उसका वो कील जो जिसको बोल्ट कसते हैं वो टूट गया, अब वो टूट गया, उसका 1500 रुपये उसके लग गए, तो पेनल्टी पे पेनल्टी लगी जा रही, पता नहीं इसमें सुबह से चूना लग रहा है, दिमाग खराब है, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे। चलो कोई नहीं, गाड़ी अब तो सही हो गई है, पेट्रोल वगैरह भी डला लिया है, बस पंचर जुड़ जाए, स्टेपनी सही हो जाए, फिर चलते हैं, और बैंक में जो भी वगैरह काम होता है वो काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है टायर ख़राब है, कुछ भी ख़राब है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है, मूड ख़राब हो जाता है कि यार कहीं भी जाने का प्लान हो, सब कुछ होता था, सब पोस्टपोन हो जाता, सब कुछ दिक्कत हो जाती है, गाड़ी पंचर हो गई, कहीं भी जाना नहीं हुआ, जहाँ भी 3-4 जगह थे बाइक पे गए थे, और एक तो जो दूर जाना था कहीं भी जाना था कहीं भी नहीं जा पाए, तो गाड़ी पता नहीं, और अलग अलग टायर पंचर होते हैं, इसमें तो इतनी बड़ी कील घुस गई थी, कम से कम मतलब बहुत बड़ी कील, पता नहीं कहाँ से आ गई, सब मेरी गाड़ी के नीचे क्यों आते हैं, और उसने तो ऊपर से उसका नट बोल्ट भी तोड़ दिया, तो 1500 रुपये की वहाँ चपट फालतू में लग गई फालतू। चलो कोई नहीं, चलते हैं ऑफिस में, जो भी काम वगैरह होंगे करेंगे, बस आज का यही है, कुछ कह नहीं सकते, बस मूड खराब है, कोई नहीं चलते हैं, काम करेंगे चल के, कुछ भी जो भी होगा।